हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा बोधिसत्व। ये आपका फर्स्ट यूनिट का है, फर्स्ट यूनिट प्री एमपीपीएससी। ओके, सो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो बोधिसत्व होते कौन है ना? तो इसका आंसर ये है, बोधिसत्व आर बीइंग हु हैज रीच्ड एनलाइटनमेंट और निर्वाणा बट डिलेज एंट्री इनटू परिनिर्वाण। आउट ऑफ कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी दे हेल्प पीपल एज गाइड फॉर द डिसीज्ड टू हेवन। ओके, तो ऐसे लोग जिन्होंने एनलाइटनमेंट या निर्वाण तो अचीव कर लिया है पर अभी भी परिनिर्वाण अचीव नहीं किया है, क्योंकि इनके पास कंपैशन जैसे कुछ एलिमेंट हैं फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, बुद्ध ऐसे थे जिन्होंने निर्वाण उन्हें कब हुआ था? जब बोध ज्ञान हुआ था। ओके, एंड परिनिर्वाण जब वो उस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से बाहर आ गए थे। ठीक है, तो इन लोगों को निर्वाण हासिल हो चुका है, ये एनलाइटन बीइंग है, पर परिनिर्वाण अभी तक इन्हें नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब वैसे तो इन्यूमेरेबल बोधिसत्वा पाए जाते हैं इन महायान बुद्धिज्म, बट देयर इज अ ग्रुप ऑफ एट एट बोधिसत्वा नोन एज अष्ट महाबोधिसत्वा। ठीक है, ये एट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोधिसत्वा का लाइन बहुत बड़ा है। ये एक ऐसा टॉपिक हो सकता है, अगर पीएससी टफ लेवल पे चला गया तो आप नहीं संभाल पाएंगे, टफ क्वेश्चन हो सकता है, पर आप ये आठ याद रख लीजिए। इस आठों से क्वेश्चन अगर आता है तो एटलीस्ट आप कर पाएंगे उसे। पहला जो है वो क्षितिज गर्भा है, दूसरा है सर सरी निर्वाण विक्षा भिन्न। ओके, देन मंजूश्री, देन वज्रपाणि, मैत्रेय, समंतभद्रा, अवलोकितेश्वरा एंड आकाशा गर्भा। ठीक है, तो क्षितिज गर्भा, आकाशा गर्भा, ये दोनों भाई हो गए, मतलब सिबलिंग्स हैं वो, और बाकी बीच के आप नाम याद रख लीजिएगा, थोड़े से नए नाम लगेंगे आपको। ठीक है, तो आप एक बार याद कर लीजिएगा उसे। ओके, द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड बोधिसत्व इज द अटेनमेंट ऑफ बुद्धाहुड। अ बोधिसत्व एक्ट एज अ टीचर टू बोथ द श्रावक, मतलब कॉमन पीपल, एंड प्रत्येक बुद्धिस्ट। ठीक है, तो दोनों के लिए टीचर है, प्रत्येक मतलब जो होने वाले बुद्धिस्ट है उनके लिए, और जो श्रावक है उनके लिए वो टीचर का काम करेगा। टू द श्रावक ही टीचेस द डॉक्टर एंड एसोसिएटेड विद फोर नोबल ट्रुथ, जिसे चार आर्य सत्य कहा गया है, या फिर आचारी जो है ना, आपका एक क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी मेंस में, चार या आचारी करके, कि जो चार सीन थे जब बुद्धा ने एनलाइटनमेंट लिया था, घर छोड़ा था, उसके पहले टर्निंग द लॉ ऑफ व्हील के पहले जो चार चीज थे, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। ओके, तो फिर उन्होंने ये देखा कि फाइनली जो सेंट है, जो निर्वाण जिसको मिल चुका है, जो उस फॉर्मेट में रहता है, वो ज्यादा खुश है। द महायान फेज ऑफ बुद्धिज्म डिस्टिंग्विश द बोधिसत्व एज टू काइंड, अर्थली जो अर्थ पे रहते हैं, और दूसरे ट्रांसेंडेंटल जो स्पेस में रहते हैं, आ जा सकते हैं। द फॉर्मर काइंड ऑफ डिस्टिंग्विश बाय इट्स इंसिडेंट्स अपॉन कंपैशन एंड एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म मतलब दान दक्षिणा, मतलब उस टाइप का भाव रखना, कंपैशन वाला, एज वेल एज अपॉन द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। वाइल द लेटर हैव रियलाइज द परमित्रा वेरियस डिग्रीज ऑफ परफेक्शन एंड अटेन द बुद्धाहुड, बट हैव पोस्टपोन्ड देयर एंट्री इनटू द स्टेट ऑफ कंप्लीट निर्वाणा। दे आर इन द पोजिशन ऑफ द परफेक्ट विजडम, नो लॉन्गर बिलोंगिंग टू द संसारा या संसार। ठीक है, तो दो टाइप के बोधिसत्व पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू महायान बुद्धिज्म। अकॉर्डिंग टू महायान बुद्धिज्म एक अर्थली है जो अर्थ पे रहते हैं, और दूसरे हैं जो ट्रांसेंडेंटल रहते हैं, मतलब स्पेस में वगैरह में घूमते रहते हैं। अब बोधिसत्व मस्ट फॉलो सर्टेन कंडक्ट, ड्यूटी एंड प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अटेन एटलीस्ट द मेजर परामित्रास। अमंग दीज प्रैक्टिसेस आर, तो बोधिसत्व को ये सारी चीजें करनी होती हैं, उसे करना होता है दान, सिला, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रजना, उपाय एंड परिध्यान, बला एंड ज्ञान। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, ड्यूटीज हैं बोधिसत्वा के। आप जब भी इसके नोट्स बनाएंगे, इसको एक ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा वो याद रहेगा। अगर वो याद नहीं रहता है तो कीवर्ड आप जो लिखे हुए हैं वो लिख सकते हैं। दिस डॉक्ट्रिन बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द आर्ट्स, लिटरेचर एंड थॉट्स इन द लैंड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, सच एज अफगानिस्तान, सेंट्रल इंडिया, जापान एक्सेट्रा, कोरिया में भी और इंडिया वगैरह में भी बहुत सारे बोधिसत्व को बहुत अलग अलग आर्ट फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पेंटिंग्स हैं जिसमें बोधिसत्व को डिस्क्राइब किया गया, काफ़ी सारे ऐसे स्कल्पचर्स हैं जहाँ बोधिसत्व को बनाया गया है। तो यहाँ पर है, ईच ऑफ द अष्ट महाबोधि सत्व इज डेजिग्नेटेड वन फॉर द एट डायरेक्शंस। ठीक है, वन फॉर द एट डायरेक्शंस। तो अगर आपको पता होगा बुद्धिज्म में हम पढ़ते हैं अष्टांगी का मार्ग है ना, राइट फेथ, राइट नॉलेज है ना, तो वो, हाउ एवर दे आर नॉट कंपेरेबल टू द अष्ट
दिल पकास फॉर द बोधिसत्वास प्रोटेक्शन ऑफ द एट प्रिंसिपल क्वार्टर फॉर द सेक ऑफ धर्मा सो डेट नो एविल कैन कम फ्रॉम एनी क्वार्टर टू डिस्टर्ब द प्रीचिंग्स ऑफ धर्मा। ओके, तो ये बेसिकली प्रोटेक्टर भी हैं। एक और एक फैक्ट आप याद रखिएगा, कभी बोधिसत्व का एक डेफिनेशन यूपीएससी के एक बार एग्जाम में आया था, तो आप बोधिसत्व में आप याद रखिएगा बोधिसत्व आर फ्यूचर बुद्धास। ठीक है, ऐसे लोग जिनको निर्वाण हो गया है पर ये परिनिर्वाण अभी नहीं हुआ है, ये अपने आप को रोक के रखा है, परिनिर्वाण अभी रोक के रखा है। ओके, और ये फ्यूचर बुद्धास हैं। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, दो बेसिक डेफिनेशन याद रहेगा। अब हम एक एक करके सातों को देख आठ जो है उनको देखते हैं। बेसिक है कहाँ कहाँ वो डिपिक्टेड है वो याद रखिएगा, वो क्वेश्चन आ सकता है। पहला है आपके पास जो है वो है क्षितिज गर्भा। तो क्षितिज गर्भा इज नोन एज डी जैंग इन चाइना एंड जी जो इन जापान। ही हैज सर्टेन फेमिनिन ट्रेट्स फॉर ही इज द अर्थ बोधिसत्व एज द नेम अर्थ। क्षितिज का मतलब क्षितिज गर्भा अर्थ वॉर्म इंडिकेट्स इन द बोधिसत्व ऑफ द मॉर्टल्स। ये बोधिसत्व ऑफ द मॉर्टल्स है। इंडिया में बहुत ज्यादा क्षितिज गर्भा का डिपिक्शन नहीं है। देन दूसरे का नाम है सर्वा निर्वाण विक्षाम्भिन। आप इसको विक्षाम्भिन के नाम से भी जान सकते हैं। ये जो बोधिसत्व हैं ये एसोसिएटेड हैं वॉज द स्पिरिचुअल सन ऑफ अक्षभोय बट नॉर्दर्न स्कूल ऑफ थॉट्स होल्ड डेट विरोचना वॉज हिज स्पिरिचुअल फादर। वो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। हिज अदर एट्रीब्यूट्स इंक्लूड अ फुल मून एंड अ बुक प्लेस्ड ऑन लोटस फ्लावर। तो ये आपको याद रखना है कि वो कौन सा बोधिसत्व है जिसको डिपिक्ट किया जाता है एक फुल मून की तरह एंड अ बुक प्लेस्ड ऑन लोटस फ्लावर। ही इज वेल नोन इन इंडिया एंड चाइना। कौन सा? विक्षाम्भी। ये आप नाम याद रखिएगा, विक्षाम्भी ये आ सकता है। ठीक है, ओके। देन मंजूश्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोधिसत्व ऑफ द महायान स्कूल। बियर्स अ सॉर्ड, एक सॉर्ड रहती है, तलवार रहती है साथ में। ठीक है, तो यहां पे एक तलवार बना लीजिए, ऐसा कुछ तलवार बना लीजिए। फॉर डिस्ट्रॉइंग इग्नोरेंस एंड होल्ड्स द प्रजना परामित्र बुक डेट सिंबलाइजेस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो कौन सी इनके पास किताब होती है? ये वाली बुक होती है जो डिटरमाइन करती है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। मंजूश्री इज बेस्ट नोन फॉर हिज विजडम एंड इंटेलेक्ट एंड ही ऑकर्स फ्रिक्वेंटली इन डुनहैंग आर्ट। बोधिसत्व ऑफ विजडम, मंजूश्री इज बोधिसत्व ऑफ विजडम, ये भी आप याद रखिएगा। नालंदा बिहार पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट पे डिपिक्टेड है। ओके, नाउ वज्रपानी और शाक्रा। वज्रपानी और शाक्रा हैज टू फोल्ड रूल इन द हिनायन टेक्स्ट। ही इज द अटेंडेंट ऑफ बुद्धा, पहला रूल। वाइल इन द महायान आइकोनोग्राफी ही इज ध्यानी बुद्ध बोधिसत्व एंड द इमेनेशन ऑफ अष्ट्य अकशभया विथ हिज शक्ति बीइंग लोचना। ओके, वज्रपानी हाथ में वज्र है इनके, थंडर बोल्ट है, इसे लाइटनिंग बोल्ट भी कह सकते हो, इन द लेफ्ट हैंड है। ही अपियर्स एज अ कॉन्स्टेंट अटेंडेंट ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा का कॉन्स्टेंट अटेंडेंट कोई है तो वो आपका वज्रपानी है। कैन बी सीन इन अजंता केव नंबर 1, द फेमस पेंटिंग ऑफ वज्रपानी। ओके, आई हैव बीन टू अजंता, मैंने देखी ये पेंटिंग, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। अब तो थोड़ी डिलैपिडेटेड स्टेट में है पर एग्जिस्ट करती है। देन मैत्रिया और द लविंग वन इज द फ्यूचर बुद्धा हु इज द ओनली बोधिसत्व वर्नेटेड बाय बोथ द हिनायान एंड द महायान। तो मैंने आपको बताया था कि महायान स्कूल ऑफ थॉट में आठ बोधिसत्व है, इन्यूमरेबल है, तब भी हम आठ को पढ़ते हैं। तो एक ऐसा बोधिसत्व जो हिनायान और महायान स्कूल दोनों ही मानते हैं वो है मैत्रिया। ओके, इसके बाद ही इज द सिंबल ऑफ होप फॉर डिलीवरेंस ऑफ द फ्यूचर, तो सिंबल ऑफ होप है ये। दिस बोधिसत्व नेवर डिस्परेजेस लिविंग बींग्स, कभी उनको नहीं छोड़ता। नेवर अंडरएस्टिमेट्स देम, नेवर डाउट्स देम और देयर कैपेबिलिटी ऑफ बुद्धाहुड। द एक्शन ऑफ दिस बोधिसत्व इज टू रिमूव द फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड लो सेल्फ एस्टीम इन पीपल। ओके, मैत्रिया। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ समंत्रभद्र, ये भी बोधिसत्व है। द चाइनीज पिलग्रिमेज विजिटिंग वेरियस बुद्धिस्ट कंट्रीज सेल्डम मेंशन हिम। ही केम इन टू प्रोमिनेंस इन द 5th सेंचुरी आफ्टर द ट्रांसलेशन ऑफ, ये दो किताबें हैं, धर्मशास्त्र वर्जन ऑफ द लोटस। इन आइकोनोग्राफी ही वियर्स नॉट ओनली अ क्राउन बट ऑल्सो ड्रेस्ड इन प्रिंसली अटायर। ये क्वेश्चन मैंने एक बार कहीं देखा था किसी टेस्ट सीरीज में, वो कौन सा बोधिसत्व है जो बहुत अच्छे से एक प्रिंस की ड्रेस में रहता है? तो आंसर इज समंत्रभद्रा। ओके, इन जापान ही इज नोन एज फूजैन। ही इज अ वेरी पॉपुलर फिगर इन चाइनीज एंड जैपनीज आर्ट। इज द बोधिसत्व ऑफ प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन।
समुद्रपदा मंजूषी एंड बुद्धा टुगेदर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ओके। समुद्रपदा मंजूषी एंड बुद्धा टुगेदर फॉर द शाक्य मुनि ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिज्म, ये तीनों के तीनों शाक्य मुनि ट्रिनिटी कहे जाते हैं बुद्धिज्म के। अब आता है अवलोकितेश्वरा इज द मोस्ट पॉपुलर अमंग द महायान बुद्धिसत्व बिकॉज ऑफ हिज मैनी वर्च्यूज स्पेशली हिज कंपैशन फॉर ऑल द सेंटिमेंटल बींग्स एंड हिज डीप इन्वॉल्वमेंट इन देयर वेलफेयर। ही टुक अ वाउ डेट ही विल नॉट ही वुड नॉट एट परवाना ही वुड नॉट अचीव परिनिर्वाण अंटिल ऑल द सेंटिनल बींग्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम सफरिंग। तो जितने भी लोग हैं जो सफर कर रहे हैं जब तक उनकी सफरिंग खत्म नहीं होगी तब तक वो परिनिर्वाण वाला स्टेट हासिल नहीं करेंगे। हिज कॉमन एट्रीब्यूट आर द लोटस नेक्टर वेस एंड अमिताभ हिज श्राइन ऑन हिज क्रेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ पद्मपाणि बोधिसत्व कैन बी सीन इन अजंता इज अ फीमेल बोधिसत्व ऑफ कंपैशन लोटस इन राइट हैंड। तो एक और फैक्ट आप याद रखिएगा, अवलोकितेश्वरा के 108 रूप होते हैं अलग अलग, उसमें से एक रूप है और वो है आपका पद्मपाणि। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पद्मपाणि कहाँ पे देखने को मिलता है, अजंता में। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी का, पुराने क्वेश्चन देखेंगे पद्मपाणि या वज्रपाणि कहाँ पे डिपेक्टेड, आंसर अजंता। अब पद्मपाणि किसका रूप है, वो रूप है अवलोकितेश्वरा का। कितने होते हैं, 108 होते हैं, उसमें से एक है पद्मपाणि और इनके हाथ में लोटस राइट हैंड में होता है ठीक है। वज्रपाणि प्रोटेक्टर होते हैं, उनके हाथ में वज्र होता है। अवलोकितेश्वरा पद्मपाणि का एक रूप है और उनके हाथ में एक लोटस होता है। देन लास्ट इज आकाशगर्भा। आकाशगर्भा ऑल्सो नोन एज खा गर्भा इज रिगार्डेड एज द एसेंस ऑफ द एथर। एथर का मतलब होता है स्पेस, है ना, आकाश स्पेस, वैसे आपको रिलेट कर सकते हैं। आकाश एंड खा मीन्स द स्काई और बाउंडलेस स्पेस। ही इज डिस्क्राइब्ड एज रिप्रेजेंटेड इन मेनी वेज। द सद्धनमला डिस्क्राइब्स हिम एज ग्रीन एज द स्काई। ही होल्ड्स द चिंतामणि ज्वेल इनके पास होता है एंड डिस्प्लेज द वरद मुद्रा ओके। अलग अलग मुद्राएं होती हैं बुद्धिज्म की, वो आप याद रखिएगा। द आकाशा महाबोधि सत्व मंडला एंड बुद्धा आर द सेंट्रल सिंबॉलिक एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ महाकरुणाकारी बुद्धा एंड द वोज एंड अटेनमेंट ऑफ द 8 चीफ बोधिसत्व टू कैरी आउट द नोबल मिशन ऑफ द मास्टर। द मंडला कॉन्सेप्ट इज कॉमन टू महायान बुद्धिज्म एंड दांतिक बुद्धिज्म। इट इज वेल नोन बुद्धिज्म इन कोर्स ऑफ टाइम केम क्लोजर टू हिंदुज्म एंड डेवलप सर्टेन फीचर्स बेस्ड ऑन पॉपुलर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। इनफैक्ट अगर आप कभी बोधिसत्व को पढ़ेंगे ना तो काफी लोग कहते हैं कि ये पर्टिकुलर बोधिसत्व इज बेसिकली रीइनकार्नेशन ऑफ आपके शिव के या फिर आपके ब्रह्मा के। तो काफी कुछ ऐसा हुआ इवेंचुअली, ये इसलिए होता है क्योंकि पर्टिकुलर रिलीजन अपने आप को सेफगार्ड नहीं कर पाता। तो अभी कई आप बोधिसत्व के बारे में पढ़ेंगे तो उसका वो बता देंगे कि पैरेलल रूप क्या है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो बुद्ध है वो विष्णु के अवतार हैं, राइट, पर ये चीज़ें उतनी सही नहीं है। पर जाहिर सी बात है कि रिलीजन कल्चर का एक रूप होता है और वो मिक्स होते रहते हैं, इंटेंगल होते हैं, ठीक है। सो डेट्स इन टूडेज लेक्चर। और अभी हम एक बार आप इस पूरी चीज़ों को जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं वो लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे बता दीजिएगा कि जो भी आपको पढ़ना है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए तो मैं अगला यूनिट उस तरह से प्रिपेयर करना शुरू कर दूंगा ओके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।